फेस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्या है, फेयर एंड लवली यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं मिक्स करूँगी लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। सो ये वाला लुक इंस्पायर है अनुष्का मैम से, और जो कि उन्होंने अपने करवा चौथ पे किया हुआ है, तो आई थॉट मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए था। तो मिक्स करने के बाद इसकी कवरेज और इंक्रीज़ हो जाती है, और बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप है, बहुत ही इजी पीजी सा है। तो आई रियली होप कि आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने किसी ब्रश या स्पंज की हेल्प ना लिए बिना अपने हाथ से ही ब्लेंड किया, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है ब्लेंड, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप वाइट टोन पाउडर भी ले सकते हो, या तो पॉन्स की ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्पिन्स की ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बेबी जॉनसन पाउडर लिया हुआ है, क्योंकि सूट्स मी वेल दूसरे पाउडर के मुकाबले, है ना। और उसके बाद इसे एक ब्रश की हेल्प से तो 2 सेकंड के लिए सेट होने के लिए, जब तक मैंने अपने गले पे सारा पाउडर को क्रीम को मिक्स किया उतना देर सेट होने दिया, इनफैक्ट 30 सेकंड 20 सेकंड, उसके बाद सारा डस्ट ऑफ कर दिया। उसके बाद देखो कितना स्मूथ बेस लग रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत ही मतलब बहुत सारी क्रीम से बहुत ही अच्छा बेस ये लग रहा था सच में। उसके बाद ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे निका की पैलेट में से कोरल शेड लिया हुआ है, क्योंकि आप अनुष्का मैम की जब चीक्स देखोगे तो उसमें डायरेक्टली दिख रहा है, एकदम विजिबल दिख रहा है कि एकदम कोरल कलर का ब्लश है, और बहुत ही हार्शली ब्लश है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ओवर है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं जस्ट कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम मैंने हल्का सा अपने फिंगर टिप्स पे लिया, और उसे अपने पूरे आईलेट पे अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि आई मेकअप भी करना है ना। तो यहाँ पे हल्का सा नोज़ पे लगा लो, ताकि कॉन्टोर वाली जो फील है वो थोड़ी सी आ जाए, है ना। तो थोड़ा मेरा बचा था तो इसलिए मैंने नोज़ पर लगा लिया। और ये देखो इसमें भी आपको कोई मतलब ब्रश की आपको ज़रूरत हो सकती है पाउडर के लिए, ब्लश के लिए, आई मेकअप के लिए, लेकिन ब्लेंड करने के लिए आपके हाथ ही बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर के अपने आईलेट को यहाँ पे सेट कर लूँगी, क्योंकि ये क्रीज बहुत जल्दी करता है सीसी क्रीम, है ना। अगर आप बिना स्किन केयर का लगाओ, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्किन केयर किया हुआ था, स्किन केयर की आपको देखती हैं तो आप मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा अपना स्किन केयर दिखाया हुआ है, है ना। और तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम निकाह की पैलेट में जो ब्लश वाला लिया था उसी को लेकर के अपनी जस्ट क्रीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, आईलेट तक नहीं जाना है, सिर्फ अपनी क्रीज में ही रहना है। तो बहुत ही स्लोली स्लोली वाला काम करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो देख रहे हो एट द सेम टाइम मैं अपने लोअर लैशेस को भी साथ साथ में कर ले रही हूँ, ताकि क्योंकि बेस तो हो गया है तो दोबारा कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये मेकअप आप तो मुश्किल से 15 मिनट में कर लोगे, है ना। उसके बाद अपनी आईब्रोज को फिल इन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फेस का फ्रेम ख़राब हो जाता है अगर आपने आईब्रोज़ को फिल इन नहीं किया हुआ है। इस टाइम पर मेरी आईब्रोज़ बहुत ही बेकार हो गई हैं, बनवाया नहीं है, लेकिन क्या करूँ, जो है शेप सो है, शेप के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे फिल इन कर रही हूँ, ज़्यादा ओवर नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप नोज़ कॉन्टोर भी किया करो, तो ये देखो मैं इस टाइप से कुछ नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ सेम ब्राउन कलर से, और फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, और ये पाउडर कॉन्टोर ही। और देखो इतने छोटू सा एंगल ब्रश जिसे मैंने अपने आईब्रोज को फिल इन किया था वही ब्रश से कॉन्टोर कर ले रही हूँ। और उसके बाद तो थोड़ा सा अपने चीक्स को भी कॉन्टोर कर ले रही हूँ, ताकि थोड़ा हल्का सा स्कल्टेड लगे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, हाइलाइटर की मैंने एडीएस का हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद ब्रोबोन को हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बहुत ही थिन सा लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि अनुष्का मैम की आईज़ पे भी था, बहुत ही पतला सा हल्का सा स्मोक आउट करके दिख रहा था, तो मैं स्मोक आउट करूँगी इसे। इसे सूखने से पहले आप ब्राउन कलर, ब्लैक कलर जो भी लेना चाहो, एक फ्लैट स्मॉल फ्लैट ब्रश में लेकर के उसे स्मोक आउट करो, ट्रस्ट में बहुत 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 अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे हमारा लुक कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।